हेलो दोस्तों, हमारे पास आ चुका है गणित 2020 जिसका कोड है 324YY। और इस पेपर को हम चलिए सॉल्व कर बताते हैं, जिसमें पहला है निम्नलिखित में सभी खंड को हल कीजिए। क का दूसरा होगा यानी 16 होगा, फिर ख का तीसरा यानी सारणिक एक वर्ग अभ्युन से संबंध एक संख्या है, और ग का होगा तीसरा जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर अपन 2 - 2x + log x प्लस सी। फिर घ का दिया है आंसर पहला यानी 2 है। फिर र का दिया है तीसरा 3, तीसरा का आंसर है 3। और फिर क्वेश्चन 2, निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए जिसमें ये सब सिद्ध करने वाले हैं। और फिर ये दिया है सदिशों के जैसे योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जिसका आपका क्वेश्चन का पेज नंबर 452 में आपका आंसर दिया है 4 अपान कड़ी में 29 i वेक्टर i प्लस 3 कड़ी में 29 वेक्टर j माइनस 2 कर्ड़ी में 29 वेक्टर के। ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया है पेज नंबर 452। और गणित पार्ट 2। और फिर निर्णय दिया है, मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटना है तथा पी कोष्टक में ए बराबर 0.3 तथा पी कोष्टक में बी बराबर 0.4, तब पी ए स्लैश बी ज्ञात कीजिए जिसका आंसर होगा 0.3। फिर दिया है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। इसमें क का आंसर होगा कोष्टक में 5,1, फिर सेकेंड कोष्टक में 6,1 और फिर थर्ड कोष्टक में 6,3। और फिर इधर सिद्ध करने वाला दिया है। फिर आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर, जिसमें ख दिया है सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो इसका आंसर होगा 7 अपान में कड़ी में 5 वेक्टर आई माइनस 14 अपान में कड़ी में 5 वेक्टर j। और फिर उसमें दिया है ख सदिश वेक्टर ए जो ख ग दिया आंसर क्वेश्चन, उसका आंसर होगा 10 अपान में 6 10 अपान में कड़ी में 6। और फिर इधर सारे क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा, जो कि पांचवा क्वेश्चन दिया है सिद्ध करने वाला, कख सब सिद्ध करने वाला है। फिर इसमें घ पांचवा का घ अवकलन समीकरण जिसका आंसर दिया है सेक वाई अपान में एक्स और फिर बराबर सी एक्स वाई, ये पांचवा घ दिया है। फिर पांचवा कड़ा दिया है तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर ये सभी का आंसर, इसका आंसर होगा यानी पांचवा कड़ा वाला का -29 अपान में 2। और फिर छवा का दिया है निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल कीजिए, जिसमें का दूसरा देखते हैं यानी ख परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x² + 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आंसर होगा कड़ी में 2/6 + 9/4 sin−1 2√2/3 इसका आंसर होगा। और फिर छवा का हम लोग घ देखते हैं, बिंदु 2, 5 और -3 की समतल जिसका आंसर होगा 13/7। और फिर इसका छवा कड़ा वाला देखते हैं, बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो जिस जो इसका आंसर होगा y³/3 बराबर x² + 5। और
सातवां क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें क वाला, और इसका आंसर होगा 7 -3 -3 -1 1 0 फिर -1 0 1, इसका आंसर होगा। और फिर इसमें ख वाला देखते हैं, अभियुम विधि से हल कीजिए जिसको हम आंसर नहीं मिला है। फिर आठवां का ख वाला देखते हैं, और इसका आंसर होगा 10 / 59। फिर क्वेश्चन 9 को देखते हैं, निम्नलिखित के एक खंड को हल कीजिए जिसमें क का आंसर होगा π/4। क का पहला आंसर होगा π/4 और क का पहला दूसरा आंसर होगा 1/2। और फिर क का न का ख वाला का आंसर होगा π²/2a। और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो को भी देखने के लिए, और पीछे की सारी वीडियो को देख लीजिए, उसमें हमने सारा हल कर दिया है। और इसको हम कल दोपहर तक वीडियो ला देंगे, और कमेंट प्लीज़ कीजिए, आप जो भी समस्या हुई हो, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हुई हो, कृपया कमेंट करके बताएं हमें आपको किस क्वेश्चन में या किस चीज़ को और डिटेल जानना है। सो देखने के लिए थैंक यू।